सर वीडियो मत बनाओ, बाय, मत बनाओ वीडियो। ऊपर हाँ, ये थोड़ा घुमा हमारी तरफ, ट्विस्ट कर, ट्विस्ट और नीचे की तरफ, नीचे नीचे, चल थोड़ा बाहर से आना। यस यस यस, चलिए डन, पता चल जाएगा, फिक्स करो पहले इसको। छोटा शर्ट लाओ सिस्टर जी। असम का काफी नाम सुना था हमने, चाय पत्ती के बागान और ब्यूटीफुल जंगल, तो हमने सोचा कि क्यों ना असम जाके वहाँ के कल्चर को और यहाँ की लैंग्वेज को हम लोग प्रमोट करें। तो हमने कुछ अलग कॉन्सेप्ट बनाया था बिहू अटैक करके, तो टाइटल में थोड़ा इशू हुआ था हमारे को, लेकिन फाइनली हमारे को बिहू अटैक टाइटल मिल गया था। बिहू यहाँ का लोकल कल्चर है और हम इस कल्चर को पूरे ऑल इंडिया प्रमोट कर रहे हैं इसमें। तो इंडियन आर्मी की फिल्म है हमारी और मैं इसमें मुख्य लीड रोल कर रहा हूँ इसमें, और हमारे साथ में को एक्टर में अरबाज खान है, मेरी को एक्ट्रेस डेजी शाह है, युक्ति कपूर है, विलन में राहुल देव है, मीर सरवर है, तो ऐसे कई बॉलीवुड के बड़े दिग्गज कलाकार इस फिल्म में है। और ये फिल्म अक्टूबर में रिलीज़ होने वाली है ऑल इंडिया सिनेमा, और प्लस असम और कार्बी लैंग्वेज में भी ये फिल्म हमारी रिलीज़ होगी। स्टोरी क्या लिया आपने, मतलब स्टोरी हमारे सर बताएंगे इसको, थोड़ा सा छोटा सा। कहाँ पे शूटिंग किया है आपने? हमारा शूटिंग फर्स्ट शेड्यूल हमारा कश्मीर लगा था, उसके बाद में सेकंड शेड्यूल अभी हमारा दीफू में हमने किया है, 10-12 दिन शूट वहाँ पे किया है, और अभी 4 दिन से हम लोग होजई में कर रहे थे, और आज आकाशी गंगा में हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं। बेसिकली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, आर्मी बेस्ड, थोड़ा सा ट्रू इंसिडेंट्स पे इंस्पायर्ड है, और कल्चर जो है बेसिकली बैकड्रॉप जो है वो कल्चर है, लेकिन उसी में एक इंडियन आर्मी का एक मिशन है जो देखने में बहुत एक्शन थ्रिलर वे में जाएगा और ऑडियंस को पसंद आएगा, जिस तरह के आजकल के सिनेमाज बनते हैं। तो असम इसलिए क्योंकि ये स्टोरी ही असम की है, तो जिसमें लकीली हमारे कार्बी, असमीज कल्चर, ये सब कुछ इसमें जो है इस कहानी में आ रहा है। कितना सीन असम में होगा? ये फिल्म आई थिंक 80% असम में शूट हो रही है। कश्मीर में हमारा एक चंक था जो ओपनिंग था फिल्म का, तो बाकी 80% जो है असम में ही शूट हो रही है। अभी तक तो हम लोग कुछ अराउंड 50% ही हुए हैं, थोड़ा बारिश की वजह से चल रहा है, लेकिन आगे कंटिन्यू हम कर रहे हैं, तो धीरे धीरे मुझे लगता है अभी और 10-12 दिन हम रहेंगे यहाँ। रिलीज़ का अक्टूबर का टारगेट है, बाकी देखते हैं हम कितना जल्दी, क्योंकि बहुत VFX का काम है, एक्शंस के बहुत बड़े बड़े कल ब्लास्ट सीन्स हुए हैं हमारे होजाई में, तो देखिए वहाँ की बॉम्बे की पोस्ट टीम कितना टाइम लगाती है, बट हमारा टारगेट है अक्टूबर का है। कौन सा बैनर तो इसको फिलहाल, तो ये फिल्म जो है PKS प्रोडक्शन हाउस के अंडर बन रही है, फिर हम लोग म्यूज़िक के लिए टी सीरीज या जी साथ में हम लोग रिलीजिंग के लिए रिलायंस भी आ सकता है एंड वाईकॉम भी आ सकता है। अरबाज खान जी का वही डेट्स का ही थोड़ा अप डाउन चल रहा है, और वेदर भी यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग थोड़ा वेदर का स्टेबिलिटी देख करके फिर हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वो आएँ।